अव्वल भी तुम मोहम्मद, आखिर भी तुम मोहम्मद, तुम सब के सब हो नूरे, तुम सब के सब हो नूरे, या साहिबे ज़माना। बेफातिमा ज़हरा। कर नजर आए दर्दी नजर आए कभी, नो कर नजर आए काफी तो नहीं है, मगर पेवंद की सूरत तत्हीर की चादर में बहतर नजर आए, तत्हीर की चादर में बहतर नजर आए। होती है मुझे ग्यारह इमामों की ज़ियारत, होती है मुझे ग्यारह इमामों की ज़ियारत, जब जब सूरह कौसर नजर आए, पैगाम ये मजहर का है ज़हरा की कनीज़ो, पैगाम ये मजहर का है ज़हरा की कनीज़ो, तुम में न कभी कोई खुले सर नजर आए। सलवात पर मोहम्मद वाले, बड़े खूबसूरत मिसरों का से महफिल का इश्तागा हमारे मोहतरम मौज़न जनाब शबीर हसन साहब ने बेहतरीन मिसरे पढ़े हैं, और बाख़दा से जश्न का आगाज़ फिर एक मरतबा मैं दरख्वास्त करता हूँ उन तमाम मोमिनीन कराम से जो बाहर हैं और वहीं से जो सवाब हासिल कर रहे हैं कि अंदर तशरीफ़ लाएँ, और ज़्यादा इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। मैं अपनी बात को यहीं से आगे बढ़ाता हूँ, एक दो ज़ाकिरीन मेरे सामने और थोड़ा सा वक्त पर इंशाल्लाह ख्याल रखते हुए सब अपना कलाम पेश करेंगे। आँखों क्योंकि नज़र आए, उन्होंने पढ़ा है बहुत अच्छा कलाम पढ़ा है शायर ने, कहा कि आँखों को नज़र काबे का दर क्यों नहीं आता, आँखों को नज़र काबे का दर क्यों नहीं आता, दर आले मोहम्मद का नज़र क्यों नहीं आता, दर आले मोहम्मद का नज़र क्यों नहीं आता, यहाँ छाँव है छाँव भी तो तत्हीर की छाँव, यहाँ छाँव है और छाँव भी तत्हीर की छाँव, क्यों धूप में बैठा है इधर क्यों नहीं आता, क्यों धूप में बैठा है इधर क्यों नहीं आता, क्यों धूप में बैठा है इधर क्यों नहीं आता। आइए मैं इन मिसरों के साथ गुजारिश करता हूँ, एक नौजवान जिनके वालिदे मोहतरम भी मद्दाहे आले बैत हैं और इनके दादा मोहतरम बड़े मारूफ मद्दाहे आले बैत हैं, लेकिन इस वक्त अचानक दो जामिन भाई और हमारे निसाब साहब महफिल सुनने के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि भाई गुजारिश दो तीन शेर कम से कम, जब शायर का बेटा और शायर का पोता आया है तो जाहिर सी बात है जलालपुर की सरजमीन बड़ी ज़रखेज़ सरजमीन है, एक से बढ़कर एक शायर वहाँ मौजूद है, एक से बढ़कर एक आलिम, एक से बढ़कर एक ख़तीब वहाँ मौजूद है, उस जलालपुर को मेरा सलाम हो। वाकिया आइए ऐसी बस्ती से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब मोहतरम निसाब साहब से दरख्वास्त करता हूँ जाफ़र निसाब तशरीफ़ लाएँ, दो चार शेर बारगाहे अहले बैत में पेश करें, इनका इस्तक़बाल भी एक बावज़े बुलंद सलवात पढ़ कर करें। Allahumma salli ala Muhammad.
हज़रत सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज के जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सभी हजरात को। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात सलवात से कबूल फरमाएंगे। नारे सलवात के साथ कता मुलादा फरमाइएगा कि तस्वीर इफ्तिखार पैगंबर हैं फ़ातिमा। आज के हवाले से कि तस्वीर इफ्तिखार पैगंबर हैं फ़ातिमा, यानी नुज़ूल सूरह कौसर हैं फ़ातिमा। तस्वीर इफ्तिखार पैगंबर हैं फ़ातिमा, यानी नुज़ूल सूरह कौसर हैं फ़ातिमा। और तलवार से वो पाक किया करती थी लहू, तलवार से वो पाक किया करती थी लहू, यानी शरीके ज़रबते हैदर हैं फ़ातिमा। यानी शरीके ज़रबते हैदर हैं फ़ातिमा, यानी शरीके ज़रबते हैदर हैं फ़ातिमा। सलवात पढ़िएगा, दूसरा पता फरमाइएगा। और कसीदा पढ़ रहा है यूं खुदा जहरा की चादर का, कसीदा पढ़ रहा है यूं खुदा जहरा की चादर का। लबे कुरान पे है जमजमा जहरा की चादर का, कसीदा पढ़ रहा है यूं खुदा जहरा की चादर का। लबे कुरान पे है जमजमा जहरा की चादर का, जम्बे कुरान पे है जमजमा जहरा की चादर का। कि लबे कुरान पे है, लबे कुरान पे है जमदमा जहरा की चादर का। कसीदा पढ़ रहा है यूं खुदा जहरा की चादर का, लबे कुरान पे है जमदमा जहरा की चादर का। जबां को धो के पहले आबे कौसर से वजू करके, जबां को धो के पहले आबे कौसर से वजू कर गए। करो बज़्मे विला में तज़किरा जहरा की चादर का, करो बज़्मे विला में तज़किरा जहरा की चादर का। चार पांच शेर और मुलाहज़ा फरमाइएगा हज़रत कि ज़िंदगी में अपनी जिसको भी सवेरा चाहिए, ज़िंदगी में अपनी जिसको भी सवेरा चाहिए, कुछ चिराग़े शब की सूरत उसको जलना चाहिए। ज़िंदगी में जिसको अपनी भी सवेरा चाहिए, कुछ चिराग़े शब की सूरत उसको जलना चाहिए। पाल कर बिनते नबी ने कर दिया तुमको जमा, पाल कर बिनते नबी ने कर दिया तुमको जमा, पाल कर बिनते नबी ने कर दिया तुमको जमा। बोल ऐ इस्लाम तुमको और अब क्या चाहिए, बोल ऐ इस्लाम तुमको और अब क्या चाहिए, बोल ऐ इस्लाम तुमको और अब क्या चाहिए। पाल कर बिनते नबी ने कर दिया तुमको जमा, बोल ऐ इस्लाम तुमको और अब क्या चाहिए, बोल ऐ इस्लाम तुमको और अब क्या चाहिए। और दर से अंगुश्ते अली सूरज को अब भी याद है, दर से अंगुश्ते अली सूरज को अब भी याद है। डूबना कब चाहिए और कब निकलना चाहिए, डूबना कब चाहिए और कब निकलना चाहिए। दर से अंगुश्ते अली सूरज को अब भी याद है, दर से अंगुश्ते अली, दर से अंगुश्ते अली सूरज को अब भी याद है। डूबना कब चाहिए और कब निकलना चाहिए। और जिस किसी को नाज़ुक शेर बतौर ख़ास कि जिस किसी को बिनते पैगंबर से रिश्ता चाहिए, जिस किसी को बिनते पैगंबर से रिश्ता चाहिए, पहले उसके घर की अगनाई में जोहरा चाहिए, पहले उसके घर की अगनाई में जोहरा चाहिए। और इसलिए करते हैं महफिल हम तिलावत से शुरू, इसलिए करते हैं महफिल हम तिलावत से शुरू। फातिमा का जिक्र है कुरान का लहजा चाहिए, फातिमा का जिक्र है कुरान का लहजा चाहिए। इसलिए करते हैं महफिल हम तिलावत से शुरू, इसलिए करते हैं महफिल हम तिलावत से शुरू। फातिमा का जिक्र है कुरान का लहजा चाहिए, फातिमा का जिक्र है कुरान का लहजा चाहिए। और बतौर ख़ास ये शेर की कि हो मिना में किस तरह फ़र्जंद इब्राहिम जब, बतौर ख़ास साहब कि हो मिना में किस तरह फ़र्जंद इब्राहिम जब,
जब गला इस्लाम को शाहे हुदा का चाहिए, जब गला इस्लाम को शाहे हुदा का चाहिए, चाँद जब निकला तो मैंने ये दुआ की है निसाब, चाँद जब निकला तो मैंने ये दुआ की है निसाब, आज की महफिल की खातिर एक कसीदा चाहिए, आज की महफिल की खातिर एक कसीदा चाहिए। नारे सलवात। पेश करने के साथ हासिल कर फरमा रहे थे मोहतरम जनाब जाफ़र निसाब साहब जलालपुरी, आपकी खिदमत में शुक्र का नजराना पेश करते हैं। आइए मैं इस वक्त जो फहरिस्त दी गई है उस पर इंशाल्लाह उस फहरिस्त पर गौर फरमाऊँगा करूँगा इंशाल्लाह। मैं फिर एक मरतबा चूँकि मजमा मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि हमेशा बड़ा मजमा होता आएगा मजमा, लेकिन शुरू ही में आ जाए तो बड़ी नवाजिश होगी। मैं चार मिसरों के साथ अगले मदहा खान मारूफ मदहा खान की खिदमत में गुजारिश करने जा रहा हूँ, जो विरदे हदीसे किसा कर रहे हैं। फिर मिसरे देखिए आज की तारीख जिक्र हदीसे किसा का, जो विरदे हदीसे किसा कर रहे हैं, नमाज मवद्दत अदा कर रहे हैं, नमाज मवद्दत बाबे मुझसे जिन्हें का गुजर की पूरी तरह से छाई हुए बाब भाई अल्लाह पाक से अदा फरमाए कि नमाज मवद्दत अदा कर रहे हैं, कि जो विरदे हदीसे किसा कर रहे हैं, नमाज मवद्दत अदा कर रहे हैं, बिछा कर मुसल्ला बराए अकीदत दरे फातिमा से वफा कर रहे हैं, दरे फातिमा से, दरे फातिमा से वफा कर रहे, काम आ जाएंगे मिस्र सुनना, दरे फातिमा से वफा कर रहे। फखरी भाई ने कहा था शाम सहर अपने होठों पर आले नबी की मिदहत है, शाम सहर अपने होठों पर आले नबी की मिदहत है, गैरों के बारे में सोचें किसको इतनी फुर्सत है, शाम सहर अपने होठों पर आले नबी की मिदहत है, गैरों के बारे में सोचें किसको इतनी फुर्सत है, इतना तो साबित करता है हूर मलाइक का ये हुजूम, या तो ये घर जन्नत में है या इस घर में जन्नत है, या तो ये घर जन्नत है। अल्लाह मिलजुल के सलावत पढ़ रहे मोहम्मद वाले मोहम्मद या तो ये घर जन्नत में है या इस घर में जन्नत है। आइए मैं बड़े अदब के साथ उस मारूफ मदहा खान सोज खान कसीदा खान की खिदमत में मारूजा पेश कर रहा हूँ, जो किसी तरह हमारे कम से कम मैं साउथ इंडिया के अंदर ज़रूर कह सकता हूँ इनकी आवाज़ कौन ऐसा मोमिन है जो ना पहचानता हो। चेन्नई में एक मुद्दत से उन्होंने खिदमत की और आज भी खिदमत कर रहे हैं, कभी वक्त पर नोहा, कभी सलाम, कभी मर्सिया, कभी कसीदा, और महफिलों में तो माशाल्लाह मैं कैसे बता सकता हूँ। आपकी आवाज़ को अल्लाह पाक खुश रखे, सलामत रखे, आपको खुश रखे, आपकी औलादों को सलामत रखे। पर मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ मुल्तमिस हूँ मोहतरम शहनशाह तरन्नुम जनाब अलहाज अली हैदर साहब चेन्नई से के तशरीफ लाएँ, कुछ शेर बारगाह आले बैत में पेश करें। इनका इस्तकबाल भी आप हजरात मिल झुल कर मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में एक सलवात पढ़ कर करें। सलामुन अलैकुम रहमतुल्लाह। शहजादी कौनैन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्म सल्ली अला। जश्न सईद की मुबारकबाद मैं आप सब की तरफ से हज़रत हुज्जत की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, और ये बात हकीकत है कि जिसने भी शहज़ादी के दामन को पूरे खलूस और अकीदत के साथ थामा,
उसकी दीन और दुनिया आबाद हो गई। मेरे सामने कई ऐसे मिसालें मौजूद हैं जिसमें से हैदराबाद में भी काफ़ी मिसालें हैं और आपके सामने ये बाबू भाई मौजूद हैं जिन्होंने करुणा के वक्त भी जो है इस सुन्नत को बाकी रखा। और ये मुजाहिद इंशाअल्लाह इन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता करेगा और इनकी उम्र में इजाफा होगा और इनके दीनी दुनिया मकसद में कामयाबी हो सके। ये शहादत हर एक को नसीब नहीं होती। जिसको अहले बैत अता करना चाहते हैं उसको तौफीक हो जाती है। उसी तरह से इस महफिल में आना भी जो है हर एक के नसीब में नहीं होता। जिसको अता होती है वो इस महफिल में आ जाता है। और मैं बाहर ठहरे हुए तमाम मोमिनीन से गुजारिश करूंगा कि वो मस्जिद में तशरीफ़ लाएं और शहज़ादी की दुआओं से सरफराज हुए दरुद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं जिस तरह से इस महफिल का आगाज़ नाच से होता है और मैं चाहता हूँ कि शहज़ादी को उस दुनिया में सबसे अजीज तरीन शख्सियत है वो उनके वालिद बुजुर्गवार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात बाबरकत है। मैं चाहता हूँ कि उन्हीं के नाच से जो है आवाज़ करूँ दुरुद पढ़े मोहम्मद वाले में। अनबिया कितने ही लेकिन कोई खैरुल वरासा नहीं है। दुरुद पढ़े मोहम्मद वाले में। अनबिया आए कितने ही लेकिन कोई खैरुल वरासा नहीं है। ओ कोई खैरुल वरासा नहीं है। कोई खैरुल वरासा नहीं है। बात ऐसी किसी में नहीं है। ऐसा रुतबा किसी का नहीं है। बात ऐसी किसी में नहीं है। ऐसा रुतबा किसी का नहीं है। हर शेर का मैं तौर देता हूँ। मैंने इसको यानी बिल्कुल अलग तरीके से तरतीब किया है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तुम्हारे आस्ताने से जमाना क्या नहीं पाता। तुम्हारे आस्ताने से जमाना क्या नहीं पाता। कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले। शहजादी कौनैन की बाबरकत जात की आमद की शब है तो ये नात भी है और मुनाजात भी है। और शहजादे कौनैन के सदक़े में उनके वालिद से हम कुछ चाहते हैं कि लेके जाएं यहाँ से अपने दामन को भर के लेके जाएं। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले। जमाना क्या नहीं पाता। कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। करम की भीख दे दो
अच्छाई है। हम सब की बिगड़ी बना दो, तुमने लाखों की बनाई है। दरुद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बात ऐसी किसी में नहीं है, ऐसा रुतबा किसी का नहीं है। बात ऐसी किसी में नहीं है, ऐसा रुतबा किसी का नहीं है। है मुखालिफ जमाना कि जर जाए हम, हालते बेकसी किसको बतलाएं हम। हालते बेकसी किसको बतलाएं हम। हम तुम्हारे भिखारी है या मुस्तफा, किसके आगे भला हाथ फैलाए हम। दरुद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम है रंजो मुसीबत के मारे हुए, सख्त मुश्किल में है गम के हारे हुए। या नबी कुछ खुदारा हमें भीख दो, दर पे आए हैं झोली पसारे हुए। दुरुद पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तुम जमाने के मुख्तार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी। तुम जमाने के मुख्तार हो या नबी, बेकसों गमजदों के मददगार हो या नबी। सब की सुनते हो अपने हो या गैर हो, सब की सुनते हो अपने हो या गैर हो। तुम गरीबों के गम खार हो या नबी। दरुद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुतमईन हो के जीना अगर है, तो लौ लगा लो हबीबे खुदा से। हो लौ लगा लो हबीबे खुदा से, तो लौ लगा लो हबीबे खुदा से। इस गुलिस्तान में काटा नहीं है, इस गुलिस्तान में काटा नहीं है। इस मोहब्बत में धोखा नहीं है, इस गुलिस्तान में काटा नहीं है। इस मोहब्बत में धोखा नहीं है। ऐ मदीने से लौटाने वालों, बहर खालिक मुझे ये बता दो। बहर खालिक मुझे ये बता दो, बहर खालिक मुझे ये बता दो। जो तुम्हारी निगाहों ने देखा, जो तुम्हारी निगाहों ने देखा, क्या वो जन्नत का नक्शा नहीं है। जो तुम्हारी, क्योंकि इंशाअल्लाह इस महफिल में वो लोग भी मौजूद होंगे जिन्होंने ये मंजर देखा है अपनी आंखों से। इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि शहज़ादे कौनैन के सदक़े में आप सबको मदीने की ज़ियारत नसीब करें। जो तुम्हारी निगाहों ने देखा, क्या वो जन्नत का नक्शा नहीं है। आओ मदीने चले, दस्ते साखी कौसर से पीने चले।
इधर उधर न भटकते फिरो, खुदा के लिए बराह राह है राह खुदा मदीने में। हसनैन के सदक़े बढ़ते हैं, हसनैन के सदक़े बढ़ते हैं, मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले। तजल्लियों की अजब है फजा मदीने में, निगाह शौक़ की है इंतहा मदीने में, गमे फिराक न खौफे क़ज़ा मदीने में, नमाज इश्क करेंगे अदा मदीने में, इधर उधर न भटकते फिरो खुदा के लिए बराह राह है राह खुदा मदीने में। मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले, मैं कशो आओ आओ मदीने चले, दस्त साकी कौसर से पीने चले, जो तुम्हारी निगाहों ने देखा क्या वो जन्नत का नक्शा नहीं है, जो तुम्हारी निगाहों ने देखा क्या वो जन्नत का नक्शा नहीं है। मेराज से जो है शहज़ादी कौनैन का ख़ास ताल्लुक़ है। अल्लाह सुबहान व तआला ने शहज़ादी कौनैन के नूर को अता करने के लिए सरवर कायनात अर्श मौला पे बुलाया था। तो इस शेर में समाप्त फरमाइएगा, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले जब नबी अर्श आला पे पहुंचे, तो आई आवाज महबूब मेरे हो, आई आवाज महबूब मेरे, तो आई आवाज महबूब मेरे, क्यों झिझकते हो नज़दीक आओ, क्यों झिझकते हो नज़दीक आओ। शहज़ादी कौनैन का नूर की ये अजमत है, ये अजमत है कि परवरदिगार नहीं चाहता था कि बीच में कोई फासिला रहे, इसलिए जो है कहा कि और करीब आओ और करीब आओ और करीब आओ। दरुद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद सहर हुई शबे मेराज की तो लोगों ने जमाल पाके रुखे सरवरे बशर देखा, कहा गुलामों ने कुछ हमसे कीजिए इरशाद, हुजूर आपने क्या शाह अर्श पर देखा, गहर फिशा हुए लाले लबे रसूल करीम, अजीब मर्तबा हैदर का अर्श पर देखा, अली वली की सदा थी जहां जहां पहुंचे, अली वली की सदा थी जहां जहां पहुंचे, अली अली नजर आए जिधर जिधर देखा। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
जब नबी अर्श आला पे पहुंचे तो आई आवाज महबूब मेरे हो, आई आवाज महबूब मेरे, तो आई आवाज महबूब मेरे, क्यों झिझकते हो नजदीक आओ, क्यों झिझकते हो नजदीक आओ, तुमसे तो कोई पर्दा नहीं है, क्यों झिझकते हो नजदीक आओ, तुमसे तो कोई पर्दा नहीं है, बात ऐसी किसी में नहीं है, ऐसा रुतबा किसी का नहीं है, बात ऐसी किसी में नहीं है, ऐसा रुतबा किसी का नहीं है। ये तबर्रे का शेर है, आप समाज फरमाइएगा। दरुद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अहले इरफा का दिल जानता है कितना नाजुक है ईमान का रिश्ता हो, कितना नाजुक है ईमान का रिश्ता, कितना नाजुक है ईमान का रिश्ता, शक्करे जो हबीबे खुदा पर, शक्करे जो हबीबे खुदा पर, उस बशर का भरोसा नहीं है, शक्करे जो हबीबे खुदा पर, उस बशर का भरोसा नहीं है, बेशुमार हो गया दीन इस्लाम अकमल, नियामतें भी हुई हक की पूरी हो, नियामतें भी हुई हक की पूरी, अली वलीउल्लाह। हो गया दीन इस्लाम अकमल, नियामतें भी हुई हक की पूरी हो, नियामतें भी हुई हक की पूरी, नियामतें भी हुई हक की पूरी, क्या करेगा नबी कोई आकर, क्या करेगा नबी कोई आकर, काम ही अब नबी का नहीं है, क्या करेगा नबी कोई आकर, काम ही अब नबी का नहीं है। मुख्ता है खुदा निसार नगरी साहब को दरकर रहमत करे। मिधत सरवरे अंबिया में क्यों ना चहके निसारे खुशल हो, क्यों ना चहके निसारे खुशल हाँ, क्यों ना चहके निसारे खुशल हाँ, बुलबुले बूस्ताने नबी है, बुलबुले बूस्ताने नबी है, ये कोई मुर्गे ईसा नहीं है, बुलबुले बूस्ताने नबी है, ये कोई मुर्गे ईसा नहीं है, अंबिया आए कितने ही लेकिन कोई खैरुल वरासा नहीं है, कोई खैरुल वरासा नहीं है। दरुद पढ़े मोहम्मद। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब ज़ाकिर अहले बैत अलहाज अली हैदर साहब, अपने बेहतरीन कलाम पेश किया। हज़रात मोमिनीन, इस वक्त हमारे रूबरू इस महफिल पुरनूर में उलमाए किराम की आमद यकीनन ये हमारे लिए तस्किन कल्ब का सामान है। मोहतरमुल मुखाम हुजतुल इस्लाम मौलाना जनाब
नज़र हुसैन जाफरी साहब क़िबला हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं, आपकी आमद है, एक बुलंद आवाज़ में आगा का इस्तकबाल कीजिए। और साथ ही साथ मारूफ ख़तीब और मुखर्रिर खिदमत गुज़ार मोहतरम मौलाना ख़तीब अहले बैत जनाब तूसी हैदर साहब की भी आमद हुई है। यकीनन ये पुरनूर चेहरे, अल्लाह पाक इन चेहरों को सलामती अता करे। मैं आगा का भी इस्तकबाल करता हूँ, फिर एक मरतबा दरख्वास्त करता हूँ एक सलावत पढ़े इनका इस्तकबाल। और फिर मौलाना थोड़ी देर पहले आपने सलावत पढ़ी थी, फिर एक मरतबा मौलाना जनाब हैदर महदी साहब की आमद पर भी सलावत करते हैं। बड़ा ही खूबसूरत कलाम मोहतरम जनाब अलहाज अली हैदर साहब पेश कर रहे थे। मदीनी की बात भी उन्होंने की, मौलाए कायनात के ताल्लुक़ से भी शेर सुनाए। अब इनके कलाम के बाद मुझे दो शेर याद आ रहे हैं शायर के, क़िबला देखेंगे उलमाए कराम की खुसूसी तवज्जो। शायर कहता है, बुग़्ज़े हैदर अगर है सीने में क्या मिलेगा तुझे मदीने में, बुग़्ज़े हैदर अगर है सीने में क्या मिलेगा तुझे मदीने में, अंबिया और आल के हमसर फ़र्क है खून में पसीने में, अंबिया और आल के हमसर फ़र्क है खून में पसीने में, फ़र्क है खून में पसीने में। अब मौला का जिक्र उन्होंने किया कि अली अली नज़र आया जिधर जिधर देखा, मौला कायनात की मज़ा हुई है, बीबी पाक की महफिल है। तो दो शेर सुन लीजिए। शायर कहता है, अता हुए थे रसूलों को मौजूज़े जितने, खुसूसी में उलमा की नज़र क़िबला देखेंगे तो फरमाएंगे दुआ देंगे इंशाल्लाह। अता बाबा भाई मिसले देखिएगा, अता हुए थे रसूलों को मौजूज़े जितने, अली के सामने सब सर झुका के बैठ गए। अता हुए थे रसूलों को मौजूज़े जितने, अता हुए थे रसूलों को मौजूज़े जितने, अली के सामने सब सर झुका के बैठ गए। बुलंद करके अली आपको गदीर के दिन, रसूल अपनी रिसालत बचा के बैठ गए। रसूल अपनी रिसालत बचा के बैठ गए, रसूल अपनी रिसालत बचा के। आइए तशरीफ लाइए, अजमल सही तशरीफ लाइएगा। मिलजुल कर फिर एक मरतबा सलावत पढ़ रहे हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। अता हुए थे रसूलों को मौजूदे जितने, अली के सामने सब सर झुका के बैठ गए। बुलंद करके अली आपको गदीर के दिन, रसूल अपनी रिसालत बचा के बैठ गए। रसूल अपनी रिसालत बचा के। अब नैयर भाई के मैं नैयर प्रोफेसर नैयर एक ऐसा शायर नादिम खतीब है, इस वक्त न फकत हिंदुस्तान पूरी दुनिया इनके साथ बोल रही है। उनके वो चार मिसरे पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है के शिफात के सफीने पर अली का नाम लिखा है, शिफात के सफीने पर अली का नाम लिखा है, शिफात के सफीने पर अली का नाम लिखा है, अली का नाम लिखा है मोहम्मद के मदीने पर, अली का नाम लिखा है। शिफात के सफीने पर अली का नाम लिखा है मोहम्मद के मदीने पर, अली का नाम लिखा है। सुलेमा की हुकूमत को जवाल आ ही नहीं सकता, अंगोटी के नगीने पर अली का नाम लिखा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला
सुलेमा की अंगोठी को, सुलेमा की हुकूमत को जवाल आ ही नहीं सकता, सुलेमा की हुकूमत को जवाल आ ही नहीं सकता। अंगोठी के नगीने पर, अंगोठी के नगीने पर अली का नाम लिखा है, अंगोठी के नगीने पर अली का नाम लिखा है। आइए, मैं इन मिस्रों के साए दरख्वास्त करता हूँ, एक और मेज़बान और बेहतरीन अंदाज में अशार पेश करने वाला और शेर भी माशाल्लाह सुनाए कह रहे हैं, मैं इनका भी इस्तकबाल करता हूँ। मोहतरम जनाब सलमान मोहम्मद साहब से तशरीफ लाएं, कुछ शेर पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला, इस्तकबाल आपने सलवात से कर ही लिया है तो एक और मरतबा सलवात पढ़ेंगे। मौज़िन सामिन हज़रा, अस्सलाम अलैकुम। आप तमाम हज़रात की खिदमत में विलादत मासूमा ताहिरा साजिदा जाहिदा आबिदा तखिया ज़किया सिद्दीक़ा ताहिरा सैयदा हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह, चार मिसरे मीसम गोपालपुरी के बतौर खास समात फरमाए। आए वक्त के फिर आने तो मीसम की भी सुन ले, बतौर खास समात फरमाए। आए वक्त के फिर आने तो मीसम की भी सुन ले, गर यूं ही मुसलमान को परेशान करेगा। आए वक्त के फिर आन तुम्हें सम की भी सुन ले, गर यूं ही मुसलमान को परेशान करेगा। ये तय है के टूटेगा तेरा जल्द तकबर, ये तय है के टूटेगा तेरा जल्द तकबर, अमरीका तेरा खातिमा ईरान करेगा, अमरीका तेरा खातिमा ईरान करेगा। ये तय है के टूटेगा तेरा जल्द तकबर, ये तय है के टूटेगा तेरा जल्द तकबर, अमरीका तेरा खातिमा ईरान करेगा, अमरीका तेरा खातिमा ईरान करेगा। और बतौर खास समात फरमाए। है शिकवे गिले जो भी मिटा क्यों नहीं देते, अपनों से जो बिछड़े हैं मिला क्यों नहीं देते, है शिकवे गिले जो भी मिटा क्यों नहीं देते, अपनों से जो बिछड़े हैं मिला क्यों नहीं देते, बस दिल जो मुसलमान को समझ बैठे हैं उनको, बस दिल जो मुसलमान को समझ बैठे हैं उनको, तारीख बहादुर की बता क्यों नहीं देते, तारीख बहादुर की बता क्यों नहीं देते। बस दिल जो मुसलमान को समझ बैठे हैं उनको, बस दिल जो मुसलमान को समझ बैठे हैं उनको, तारीख बहादुर की बता क्यों नहीं देते। मिलजुल के एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, तारीख बहादुर की बता क्यों नहीं देते। और एक शेर देखिए। हया के माते की ताज जहरा, हया के माते की ताज जहरा, वफा परस्ती की लाज जहरा, किसी की बेटी को ना मिला है तुझको ये जाज जहरा, किसी की बेटी को ना मिला है तुझको ये राज जहरा, मखाम खूने हुसैन ये है करेगी जन्नत में राज जहरा, जमान भर में जो पट रहा है तेरे वो घर का अनाज जहरा, जमाने भर में जो बट रहा है, जमाने भर में जो बट रहा है तेरे वो घर का अनाज जहरा, जो तेरे शौहर से बुग्ज़ रखे,
जो तेरे शौहर से बुग्ज रखे मरीज है ला इलाज जहरा, जो तेरे शौहर से बुग्ज रखे मरीज है ला इलाज जहरा, मिले जो तेरे कदमों की मिट्टी, मिले जो तेरे कदमों की मिट्टी, बतौर खसमत फरमाए मिले जो तेरे कदमों की मिट्टी, हमारे सर का होता ताज जहरा, मिले जो तेरे कदमों की मिट्टी, हमारे सर का होता ताज जहरा, बतूल जहरा बशर से हटकर मलाइकों के सलाम दी है, के जिसके आंचल में पलने वाले हुसैन जैसे इमाम भी हैं, बतूल जहरा बशर से हटकर मलाइकों के सलाम भी है, के जिसके आंचल में पलने वाले हुसैन जैसे इमाम भी है, आओ सलाम करे उनके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को, सलवात प्रिय मोहम्मद वाले मोहम्मद, आओ सलाम करे उनके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। और चार मिसरे शबरोज कानपुरी के और आप लोगों की जहमत तमाम मिलजुल के सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और आखिरी बन समत फरमाए आखिरी बन, जमाने वालों की किस्मत सवरने वाली है, नबी के दीन की सूरत निखरने वाली है, जमाने वालों की किस्मत सवरने वाली है, नबी के दीन की सूरत निखरने वाली है, तो अदब से अपने परों को बिछाओ ए जिब्री, नबी की बेटी जमीन पर उतरने वाली है, नबी की बेटी, सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, नबी की बेटी जमीन पर उतरने वाली है। बहुत अच्छा कलाम, मुबारकबाद के काबिल जनाब सलमान मोहम्मद साहब। हजरात बड़ी खूबसूरती के साथ आप हजरात हमारे जाकिरीन और शोरा को समात फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक आपकी समातों को आबाद रखे और यूं ही आप हजरात बीबी की बारगाह में हाजिरी देते रहें और बीबी पाक का तस्करा सुनते रहें। देखिए मैं देख रहा हूं कि माशाल्लाह से नारे भी लग रहे हैं, लेकिन जहाँ तक दुरूद पाक की बात है, सलवात की बात है, थोड़ा सा धीमी आवाज़ में आ रही है, थोड़ा सा बुलंद आवाज़ में हमेशा सलवात पढ़ते रहने। ये सादत बड़ी सादत है और बड़े पावरफुल इबादत है, सलवात याद रखिएगा, बड़ी पावरफुल इबादत है। और बीम पाक ने हदीस भी मैंने सुना उलमा से कि शहजादी ने फरमाया जो मुझ पर और मेरे बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा पर, मेरे बाबा पर दुरूद पढ़ता है तो जन्नत में हमारे हमराह रहता है। दुरूद को तकियाए कलाम बनाना ज़रूरी है, तकियाए कलाम हमेशा दुरूद पढ़ते रहना है। जो भी बात आई आपको बताऊँ, एक साहब मौलाना की बात है सुना रहा, एक साहब थे जो हमेशा दुरूद पढ़ते रहते थे, बार बार दुरूद, यहाँ तक कि तकिया कलाम था उनका, कोई सवाल करता तो दुरूद पढ़कर जवाब देते थे। कहा आपके भाई कहाँ हैं, तो कहता अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, शाम को आएंगे। यानी तकिया कलाम था उनका है। उनका जब इंतकाल हो गया तो दूसरे साहब ने उनको ख्वाब में देखा, पूछा चाचा क्या हुआ, तो
तो कहने लगे जो दुनिया में आदत थी बड़ी काम आ गई, जो दुनिया में आदत थी वो बड़ी काम आ गई। का क्या हुआ? का फरिश्ते आए और सवालात करने लगे, तेरा खुदा कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरा किताब कौन सी है? तो मैंने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो फरिश्तों ने कहा चलो भाई, इकट्ठा इसने जवाब दे दिया, इसे क्या पूछना है, सारे सवालों का जवाब इसने दुरूद में दे दिया। बड़ मिलजुल कर सलवात पढ़े, आसिफ जलालवी ने, आसिफ बिजनूरी ने कहा था कि जिंदगी का माहसल सलवात है, जिंदगी का माहसल सलवात है, जिंदगी का माहसल सलवात है, कामयाबी का अमल सलवात है। इसलिए भी दम बदम पढ़ते हैं हम, हर परेशानी का हल सलवात है, हर परेशानी का हल सलवात है। बीबी पाक का तस्करा हो रहा है। आइए हजरत, देखिए मैं चाहता हूँ इस वक्त, चूँकि बिल्कुल आप सुनने के मूड में भी हैं माशाल्लाह से, बाप भाई अल्लाह पाक आपको सेहत फरमाए, आपकी औलाद पर आपका साया बाकी रखे, बड़ी खिदमतें करते हैं इस महफिल के लिए। मैं तीन शेर इस वक्त वो सुनाने वाला हूँ। देखिए आपने बहुत सारे शेर उलमा के रूबरू, चैलेंज नहीं है, चूँकि एक अच्छे शायर के कलाम है इसलिए मैं बता रहा हूँ। जहाँ जहाँ भी ये मिसरे हमने पढ़े हैं और इतनी दादो तहसीन से लोगों ने नवाजा है मोमिनीन ने, इंशाल्लाह मैं वो मिसरे आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, याद रखेंगे। और एक पैगाम है इन मिसरों में शायर का, वो मिसरे पेश करता हूँ। वो कहता है शायर कि देखें बड़े कीमती मिसरे हैं कि अल्लाह से कमाल का पाना कमाल है। नहीं यूँ नहीं मिसरे सुनाता मैं पूरी तवज्जो उलमा को खुसूसी ताज चाहता हूँ, मौलाना हज़र साहब और दूसरी सवार में देखेंगे हज़र साहब, कि अल्लाह से कमाल का पाना कमाल है, फिर इस कमाल को भी निभाना कमाल है। अल्लाह से मिसरे सुने जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, उन तमाम हजरात से दुआएं चाहता हूं जिनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है, अल्लाह से कमाल का पाना कमाल है, फिर इस कमाल को भी निभाना, फिर इस कमाल को भी निभाना कमाल है। इन उनका माल लूट के खाना नहीं कमाल, अल्लाह से कमाल का खाना कमाल है। अरे सलमान साहब पूरी दुनिया जाए मिसरे में पेश करने जा रहा हूं शायर के, अल्लाह से कमाल का पाना कमाल है, फिर इस कमाल को भी निभाना कमाल है। इन उनका माल लूट के खाना नहीं कमाल, मिसले खतीजा माल लुटाना कमाल है। अब शेर सुनिए, शेर सुनिए इंशाल्लाह, मेरा हर बच्चा हर नौजवान नाजी साहब शेर सुनिएगा, जहां जहां सब याद रखेंगे। इस शेर को खुसूसी तवज्जो चाहता हूं जाने गिरामी महफिल का तोहफा समझ के शायर का इस शेर ले जाइएगा। अल्लाह से कमाल का पाना कमाल है, फिर इस कमाल को भी निभाना कमाल है। इन उनका माल लूट के खाना नहीं कमाल, मिसले खतीजा माल लुटाना कमाल है। पर्दे में रह के पर्दा बचाना नहीं कमाल, बेपर्दा हो के पर्दा बचाना कमाल। जियो जियो, सब मिलके, सब मिलके, सब मिलके, पर्दे में रह के पर्दा बचाना नहीं कमाल, बेपर्दा होके करबला से कुफा, कुफे से शाम का मंजर तुम सुनते रहते, बेपर्दा होके पर्दा बचाना कमाल है। आइए मैं इन मिसरों के साये बड़े अदब के साथ मुल्तमिस हूँ, एक मेहमान मद्दाह अहले बैत जो हर साल आपके रूबरू बाबू भाई की गुजारिश पर तशरीफ़ लाते हैं और नजराने अकीदत पेश करते हैं। बड़ी प्यारी आवाज़ है, अच्छा लहजा है, खूबसूरत अंदाज में शेर पेश करने की
का हुनर भी जानते हैं, सआदत हासिल है इन्हें। मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब हसन जलालपुरी साहब से तशरीफ़ लाएं, इनका इस्तकबाल कीजिए एक बाबा से बलंद सलावत। हाज़िरीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम। आज की तारीख विलादत बसादत शबे बीज वाली सानिया सन 5 बेसत आप सभी हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। चूँकि सबसे पहले तो मुझे नातिक साहब ने दावत दी थी, उसके बाद हमारे बाबू भाई, तमाम सामईन और माइकराम मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ। 4 मिसरे पेश करता हूँ, एक सलवात पढ़ी बाबा से बुलंद। नैज़ खंजर न तीर वाले हैं, नैज़ खंजर न तीर वाले हैं, हम जनाबे अमीर वाले हैं। नैज़ खंजर न तीर वाले हैं, हम जनाबे अमीर वाले हैं, जान दे देंगे हम अली के लिए, जान दे देंगे हम अली के लिए, ऐसी माँओं के शीर वाले हैं, ऐसी माँओं के शीर वाले हैं। और एक मतलब दो शेर मौला अब्बास के हवाले से, शायद मैंने यहाँ पर नहीं पढ़ा है, आदिल भाई आपके वतन पढ़ चुका हूँ, चूँकि यहाँ पर नहीं पढ़ा है तो मुलाजा फरमा ले, वो भी ज़्यादा टाइम भी 10 मिनट होगा इंशाल्लाह, आपकी ज़हमत को तमाम कर दूँगा। खौफ के मारे है थर्राया यजीदी लश्कर, बतौर खास तीसरा मिसरा चौथा मिसरा जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है मुलाजा फरमा लें। खौफ के मारे है थर्राया यजीदी लश्कर, खौफ के मारे है थर्राया यजीदी लश्कर, जब से अब्बास ने दरिया पे कदम रखा है, जब से अब्बास ने दरिया पे कदम रखा है, जब से अब्बास ने दरिया पे कदम रखा है, पास आती ही नहीं उसके कभी भी मुश्किल, पास आती ही नहीं उसके कभी भी मुश्किल, जिसके घर में मेरे गाजी का अलम रखा है। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। जिसके घर में मेरे गाजी का अलम रखा है, मदहा अब्बास की करना है तुझे रोज़ हसन, बस यही सोच के हाथों में कलम रखा है, बस यही सोच के हाथों में कलम रखा है, और शबाब कुफुर जलालत का ढलने वाला है, हर एक यजीद का चेहरा उतरने वाला है, बिछा दो अपने परों को अदब से ऐ जिब्रील, मेरा इमाम जमीन पर उतरने वाला है, मेरा इमाम जमीन पर उतरने वाला है। और यहाँ से बीबी जनाब फातिमा ज़हरा सलमल्लाह के हवाले से कुछ चंद खतात पेश कर रहा हूँ, उसके बाद चंद बंद मुसद्दस के पेश करूँगा, 2-3 बंद ज़्यादा नहीं। एक सलवात पढ़ी बाबा से बुलंद। चार मिसरे बिल्कुल ताज़ा पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमा ले। लहू रोएंगे क्यों ना मुस तूफा बेटी के गुर्बत पर नहीं है कोई साया, फातिमा जहरा की तुर्बत पर। तीसरा चौथा मिसरा बतौर खास एक पैगाम दे रहा हूँ, मुलाजा फरमाए। लहू रोएंगे क्यों ना मुस
तफा बेटी के गुर्बत पर नहीं है कोई साया, फातिमा जहरा की गुर्बत पर गिरा कर रोज़े जहरा को रहते है जो महलों में मलानत भेजता हूँ ऐसी शैतानी हुकूमत पर, मलानत भेजता हूँ ऐसी शैतानी हुकूमत पर। सलवात पढ़े बाबा से बुरंग। चार में से मुलादा फरमान बीबी के हवाले से, जिनको मना किया था जनाजे में मत रहे, आज कुछ मजमा जो ढीला नज़र आ रहा है, पिछले ताल की तरह से ये मजमा जो है जोशीला नज़र नहीं आ रहा है। मौलाजा फरमाए, जिनको मना किया था जनाजे में मत रहे, कातिल है सब बतूल के इसमें गुमा नहीं, जब तक करो ना दुश्मने जहरा पे लानते, दिल को सुकून चैन नहीं और अमा नहीं, दिल को सुकून चैन नहीं और अमान ही। चार मिसरों में मुलादा फरमाए, क्यों न आएंगे फरिश्ते तेरे जर पर जहरा, क्यों न आएंगे फरिश्ते तेरे दर पर जहरा, बाग फिरदौस से अच्छा है तेरा घर जहरा, बाग फिरदौस से। पूरा कलेजा निकाल दियो खुदा की कसम, समाप्त फरमाए, बाग फिरदौस से अच्छा है तेरा घर जहरा, जब तलक इज़्ज़त ना मिल जाए खड़ा रहता है मौत का आके फरिश्ता तेरे दर पर जहरा। अब एक सलवात पढ़ती बाबा से बुलंद। एक सलाह पढ़े बाबा से बुलंद। माशाल्लाह मोहब्बत दरकार है, नाम हैदर है मेरा, नाम हैदर है मेरा, नाम हैदर। पीछे वाले मिलके बोलिए भाई, नाम हैदर है मेरा। हमारे मोमिनीन भाई, हमारे मौलाई भाई ये नारा लगाते, उनकी नजर कर रहा हूँ बंद बतौर खास, नातिक भाई देखिएगा, नाम हैदर है मेरा, नाम हैदर है मेरा, मेरा नारा है अरक माँ की तहारत का अमीन। ये बंद होने के बाद नारा लगाइए इंशाल्लाह, मेरा नारा है हर एक माँ की तहारत का अमीन, जिसके खून में है कमी वो तो लगाता ही नहीं, तजर्बा जिसको भी है करना है करने को अमीन, तजर्बा जिसको भी करना है करे आके यहीं, इसी नारे से दहलते हैं फलक और जमीन। ये वो नारा है जो नस्लों का पता देता है, जमीन भाई बता रखा, ये वो नारा है जो नस्...
मुसलों का पता देता है, दिल में दुश्मन के यही आग लगा देता है। नाम हैदर है मेरा। बाबा से बरल मिल के पढ़ेंगे तो मैं कुछ चंद बंद पेश करूंगा, नहीं तो यहीं पर मैं बंद करता हूँ। बिल्कुल नया मुसद्दस पेश कर रहा हूँ। नाम हैदर है मेरा, माशाल्लाह। नाम हैदर है मेरा, बाबा से बरन, माशाल्लाह, जिंदाबाद। घर में अपने मसितारों को बुला सकता हूँ, आसमानों को बुलंदी को झुका सकता हूँ। एक एक मिसरे बतौर खास, अपनी राहों से क़िबला देखेगा, अपनी राहों से पहाड़ों को हटा सकता हूँ, चांद सूरज तो इशारों पे चला सकता हूँ। बैत, मेरी ललकार ने शेरों का जिगर फाड़ा है, मेरी ललकार ने शेरों का जिगर फाड़ा है, दिन का मैंने ही पत्थर पे अलम गाड़ा है। माशाल्लाह, जिंदाबाद। मैं वाले हूँ, देखिए बता दूँ, नारा जो होता है हमारी जान होती है, जिसका लहू पाक वही नारा लगाता, सबके बस की बात, नारा लगाना, नारे हैदरी। मुश्किलों में आए सबकी बिगड़ी बनाए वही मौला हमारा, काम मुश्किलों में आए सबकी बिगड़ी बनाए वही मौला हमारा, ऐसा मौजज़ा दिखाए कुछ समझ में ना आए वही रब का दुलारा। आज तक फिर कोई काबे में नया दर न बना, चीर कर कल्ला अजदर कोई हैदर न बना, खुम के मैदान के जैसा कोई मिंबर न बना, खुम के मैदान के जैसा कोई मिंबर न बना, जुज मेरे मौला कोई फातह खैबर न बना। देखो मौला की मेरे अजमत व इज्जत क्या है, ये फजीलत जो नहीं है तो फजीलत क्या है। नाम हैदर है मेरा, नाम हैदर है मेरा, नाम हैदर है मेरा, नाम। सबसे कीनी बंद पेश करूँगा फिर मैं। हैदरी शान को मैदान में रखता हूँ मैं, आदिल भाई बतौर खास। हैदरी शान को मैदान में रखता हूँ मैं, भागने वालों को पीछा नहीं करता हूँ मैं। शायद ये आवाज़ पीछे तक नहीं जा रही क्या? थोड़ा भाई इसका स्पीकर बढ़ाइए तो आवाज़ पीछे तक जाएगी तो सुनेंगे। हैदरी शान को मैदान में रखता हूँ मैं, भागने वालों को पीछा नहीं करता हूँ मैं, जुज खुदावंद किसी से नहीं डरता हूँ मैं, ये रजज आते ही हर जंग में पढ़ता हूँ मैं असद भी हूँ गजर पर भी हूँ जर्रार हूँ मैं, गौर से देखो मुझे हैदर कर्रार। यारी, नारे हैदरी। नाम हैदर है मेरा, सब मिल के पढ़ें, दो तीन बंद की जहमत देता हूँ बतौर खास। नाम है, सुनिएगा। एक दिन झूले में लेटा था मैं घर के अंदर, क़िबला एक तारीख पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमा लें। एक दिन झूले में लेटा था मैं घर के अंदर, शक्ल शैतान में एक अजदह आया था इधर, वो समझता था सहम जाऊंगा उससे डर कर, मैंने बचपन के दिखाए थे उसे फिर जौहर, चीर कर मैंने वही फेंक दिया था मुझको, फिर तो हैदर का लकब माँ से मिला था मुझको। नाम हैदर है मेरा, नाम हैदर है मेरा, दो बंद
सब बंद छोड़ रहा हूँ, दो बंद मुलाजा फरमा ले। भागने वालों से, चूँकि ये बंद कम से कम 40 बंद है, इसके लिए मुझे एक घंटा चाहिए कम से कम बाबू भाई, इंशाल्लाह जिंदगी रही, जिंदा रहा तो अगले साल इंशाल्लाह सुनाऊंगा। भागने वालों से शर्मिंदा आलम होने लगा, तब नबी ने सरे मैदान ये ऐलान किया, कल आलम मर्द को गूंगा ये बसद शान कहा, और सहर होते ही फिर मुझको आलम सौंप दिया, फिर तो यूं ज़ोरे यदुल्लाह दिखाया मैंने, उगलियों पर दर खैबर को उठाया मैंने। नाम है दर है मेरा, पढ़ते रहिए, नाम है दर आखिरी बंद। माशाल्लाह सब आजादार हैं, सब मौलाई हैं, उसके लिए आखिरी बंद, जिंदगी रही तो अगले साल पेश करूंगा। नाम है दर है मेरा, जंगे सिफीन का नक्शा जरा देखा देखे दुनिया, और जमल को भी जहन में भी अपने रखना, जंगे सिफीन का नक्शा जरा देखे दुनिया, और जमल को भी जहन में भी उसे फिर रखना, नहरवा जंग का मंजर भी सभी ने देखा, सभी जंगों में आलम हाथों में किसके आया, लेके हाथों में आलम ये सभी सरदार बने, मैं तो मैं हूँ मेरे बच्चे भी आलमदार बने। नाम है दर है मेरा, नाम है दर है मेरा, सब मौलाई हैं माशाल्लाह, मिलके नारा लगाएं, बाबा से बलन अली बोलेंगे, लास्ट में नारा लगाता हूँ, पूरा मीडिया चल रहा है सामने, कहाँ पे महफिल हो रही, वेलोर में, मुलाजा फरमाए। काम मुश्किलों में आए सबकी बिगड़ी बनाए वही मौला हमारा, पीछे वाले, काम मुश्किलों में आए सबकी बिगड़ी बनाए वही मौला हमारा, ऐसा मौजज़ा दिखाए को समझ में ना आए वही रब का दुलारा, सब थे सर को झुकाए तभी जिबरी लाए और गूंजे नारा, सब थे सर को झुकाए तभी जिबरी लाए और गूंजे नारा, खड़े होंगे सर झुकाए, खड़े होंगे सर झुकाए तभी जिबरी लाए और गूंजे नारा, माथम को ना आए जब तक ना दिखाए रब रोजा तुम्हारा, माशाल्लाह, माथम को ना आए जब तक ना दिखाए रब रोजा तुम्हारा, दोनों हाथ बुलंद करके गदीरी नारा लगना चाहिए, नारे, दोनों हाथ बुलंद करके नारे, हैदरी हैदरी, आवाज़ें बुलंद, नारे सलावत, जिंदाबाद बाइंदाबाद, मोहतरम जनाबे मद्दाहे अहले बैत हसन जलालपुरी साहब, बड़ी खूबसूरत आवाज़ में बेहतरीन कलाम बारगाहे अहले बैत में पेश किया, मुबारकबाद आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हजरात, बीबी पाक के महफिल है, शहज़ादी की विलादत की तारीख है, यकीनन आप हजरात के चेहरे खिले हुए हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करने के लिए आप हजरात तशरीफ़ लाए हैं, और मैं देख रहा हूँ ताज़ा दम होकर आप हजरात शोरा का साथ भी दे रहे हैं और दादो तहसीन से नवाज रहे हैं और नारे हैदरी भी लगा रहे हैं, हर जगह से हैदरी आवाज़ भी आ रही है। देखिए शायर ने कहा है, दिलो दमागो नज़र में उतरते रहते हैं, दिलो दमागो नज़र में उतरते रहते हैं कि रोशनी की तरह हम बिखरते रहते हैं। शेर सुनिए जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है, दिलो दमागो नज़र में उतरते रहते हैं कि रोशनी की तरह हम बिखरते रहते हैं, ये बीच बीच में नारे लगाने वाले लोग मुनाफिकों के परों को कतरते रहते हैं। जियो जियो जियो, सलामत रहो सलामत रहो, सब मिल गए।
यह है कमाल शायर का। अली माला सब मिलके, सब मिलके अली अली देखेगा मुनाफिकों के परों को कतरते रहते हैं। अभी भी पाक की महफिल है मिसरे, सुनिए, पढ़ा हो तो दोबारा, नहीं पढ़ा तो ऐसे सुनिएगा, इंशाल्लाह मज़ा मिलेगा, इंशाल्लाह क्योंकि मज़ा है बीबी की पाक की। लोग कहते हैं क्यों आई थी बीबी फातिमा दरबार में, इसकी वजह क्या, शायर की ज़बानी सुनिएगा। नजरा साहब, नजरा हुसैन साहब, बड़ी कीमती शायरी हो रही है और आप दादो तहसीन उलमा नवाज रहे हैं, दादो तहसीन से मैं मशहूर हूँ उलमा इकराम का, इंशाल्लाह इनके साए में महफिलें यूं ही होती रहेंगी। मिस्र सुनिए, बहरों की पंचायत में क्यों आई थी फातिमा जरा बीबी, क्यों आई थी बहरों की पंचायत में, कुरान सुनाने आई थी बहरों की पंचायत में, कुरान सुनाने आई थी, अनपढ़ को पैगंबर की तहरीर दिखाने आई थी। बहरों की पंचायत में कुरान सुनाने आई थी, अनपढ़ को पैगंबर की तहरीर दिखाने आई थी। सिद्दीखा तो सिद्दीखा है, घर में हो दरबार में हो, झूठों को सिद्दीक ना कहना, ये समझाने आए। झूठों को, अब शेर सुनिए आखिरी शेर, झूठों को सिद्दीक ना कहना, झूठों को सिद्दीक ना कहना, ये समझाने आई थी। बाग फिदक की हाजत कब थी जन्नत की शहजादी को, बाग फिदक की हाजत कब थी जन्नत की शहजादी को, वो तो अली के दुश्मन की औखात बताने आई। वो तो अली के औखात बताने, औखात बताने। आइए इन मिसरों के साए, मैं गुजारिश करता हूँ एक और मोहतरम मुतरन्निम शायर जो आपके दियार में हमेशा आते रहते हैं, बहुत अच्छा कलाम पेश करते हैं, हर हमेशा नया नया कलाम आपके अजहान आलिया तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं ताकि मजमा खुश रहे, मोमिनीन खुश रहें, सुनने वाले खुश रहें। जनाब मोहसिन अलीपुरी साहब शायर आले बैत की खिदमत में गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ, नजर नकीदत पेश करें, इनका इस्तकबाल भी आप हजरात एक बाबा से बुलंद सलवात पढ़कर। ये अलीपुर में एक मिसरा दिया था नाफी भाई, ये नबी का दीन अधूरा है फातिमा के बगैर, ये मिसरा है नाकिब भाई, मैं दो चार से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, समाप्त फरमाइए, मतलब पेश करता हूँ, समाप्त फरमाइए। कफन न देना मुझे खाके करबला के बगैर, कफन न देना मुझे खाके करबला के बगैर, कफन न देना मुझे खाके करबला के बगैर, अंधेरी खबर में
कैसे रहूं जिया के बगैर, कैसे रहूं जिया के बगैर, कपन न देना मुझे खाके करबला के बगैर, अंधेरी खबर में कैसे रहूं जिया के बगैर, अंधेरी कब्र कैसे रहूं जिया के बगैर, ये माँ के दूध की तासीर है मेरे मौला, ये माँ के दूध की तासीर है मेरे मौला, मैं जिंदा रह नहीं सकता तेरी अज़ा के बगैर, ये माँ के दूध की तासीर है मेरे मौला, मैं जिंदा रह नहीं सकता तेरी अज़ा के बगैर, मैं जिंदा रह नहीं सकता तेरी अज़ा के बगैर, बता रहा है हमें कौल मुस्तफा जहरा, बता रहा है हमें कौल मुस्तफा जहरा, कबूल होंगे ना सजदे तेरी विला के बगैर, होंगे ना सजदे तेरी विला के बगैर, कबूल होंगे ना सजदे तेरी विला के बगैर, ये तेरे घर की फजीलत है फातिमा जहरा, ये तेरे घर की फजीलत है फातिमा जहरा, फरिश्ता मौत का आता नहीं रिजा के बगैर, आता नहीं रिजा के बगैर, फरिश्ता मौत का आता नहीं रिजा के बगैर। अब ये दो शेर समाज फरमाइए बाबू भाई समाज फरमा, के मरीज हूँ मैं दुआ देना माँ मेरे हक में, मरीज हूँ मैं दुआ देना माँ मेरे हक में, असर ना होगी दवा भी तेरी दुआ के बगैर, असर ना हो दवा भी तेरी दुआ के बगैर, असर न होगी दवा भी तेरी दुआ के बगैर, अगर बतूल को महशर में मुंह दिखाना हो, अगर बतूल को महशर में मुंह दिखाना हो, घरों से निकलो ना बहनों कभी रिदा के बगैर, अगर बतूल को महशर में मुंह दिखाना हो, घरों से निकलो ना बहनों कभी रिदा के बगैर, घरों से निकलो ना बहनों कभी रिदा के बगैर। अब ये गिरा समझ फरमाइए, नबी का दीन अधूरा है फातिमा के बगैर, घरों से निकलो ना
बहनों कभी रिदा के बगैर समझ में ये राज सूरह कौसर से खुल गया मोहसिन ये राज सूरह कौसर से खुल गया मोहसिन नबी का दीन अधूरा है फातिमा ये राज सूरह कौसर से खुल गया मोहसिन नबी का दीन अधूरा है फातिमा के बगैर नबी का दीन अधूरा है फातिमा के बगैर और एक मतलब जो पीछे मनाओ धूम से जश्ने विलादते जहरा मनाओ धूम से जश्ने विलादते जहरा मनाओ धूम से जश्ने विलादते जहरा अगर है दिल में तुम्हारे मोहब्बते जहरा अगर है दिल तुम्हारे मोहब्बते जहरा फिदक कुछ छीनने वाले खबर नहीं तुझको फिदक कुछ छीनने वाले खबर नहीं तुझको जमी से अरश तलक है हुकूमत जहरा जमी से अरश तलक है हुकूमत जहरा जमी से अरश तलक है हुकूमत जहरा खुदा ने इसलिए बेटी नबी को बख्शी है खुदा ने इसलिए बेटी नबी को बख्शी है हयात दीन के लिए है ज़रूरत जहरा हयात दीन के लिए है ज़रूरत जहरा हयात दीन के लिए है ज़रूरत जहरा अजल ख़दम नहीं रख सकती घर में अहमद के अजल ख़दम नहीं रख सकती घर में अहमद के मिलेगी उसको ना जब तक इजाजत जहरा मिलेगी उसको ना जब तक इजाजत जहरा तो खुश नसीब है दोनों जहान में मोहसिन तो खुश नसीब है दोनों जहान में मोहसिन हमेशा तेरी ज़बां पर है मिदहत जहरा हमेशा तेरी ज़बां पर है मिदहत जहरा बड़ा ही मोतबर और नायाब कलाम पेश कर रहे थे मद्दाह अहले बैत जनाब मोहसिन अली पुरी साहब हजरात मुख्तसर मुख्तसर कलाम इंशाल्लाह इस वक्त उलमाए किराम का होगा आप हजरात तशरीफ़ रखें इंशाल्लाह मैं समझता हूँ आधा घंटे के अंदर महफिल इख्तिताम पर पहुँच जाएगी और आइंदा साल तक मुलतवी हो जाएगी इंशाल्लाह मैं समझता हूँ ये कर्नाटक और तमिलनाडु और दूसरे मकाम पर ये पहली इस तरह से अनोखी महफिल है जो नमाज के बाद शुरू होती है और
मजमा इंतज़ार करता है महफिल के बाद तबर्रुक का भी माशाल्लाह। इंशाल्लाह अब जाए तबर्रुक खा के जाएंगे और ये जो रूहानी ग़िज़ा है ये भरपूर ग़िज़ा है, इस भरपूर ग़िज़ा को लेकर भी जाएंगे आप हज़रात। बहुत अच्छा सुन रहे हैं क्या कहना जनाब मोहसिन साहब का, बहुत अच्छा कलाम उन्होंने पेश किया कि शायर ने कहा ए जबीने मुस्तफ़ा तू ही बता, ए जबीने मुस्तफ़ा तू ही बता कितने सजदों का सिला है फातिमा। ए जबीने मुस्तफ़ा तू ही बता कितने सजदों का, बेटा सुनो कितने सजदों का सिला है फातिमा। और दो शेर सुन लीजिए, ये है कदम अली का किसी और का नहीं, ये है कदम अली का किसी और का नहीं, रास्ता वहीं बनेगा जहां रास्ता नहीं। मैं कहां पढ़ रहा हूँ, ये है कदम अली का, ये है कदम, आप लोग दवा इंशाल्लाह सुनेंगे, ये है कदम अली का किसी और का नहीं, रास्ता वहीं बनेगा जहां रास्ता नहीं। मक्के मदीना जाओ मगर इतना सोच लो जन्नत वहां नहीं है जहां करबला नहीं। मक्के मदीने जाओ मगर इतना सोच लो जन्नत वहीं नहीं है, जन्नत वहां नहीं है जहां करबला नहीं। आइए मैं बड़े अदब के साथ मुल्तमिस हूँ मोहतरम खतीब और खतीब अहले बैत मौलाना, यकीनन बड़ी खिदमात हैं इन उलमाए किराम के, भजंदर हो या आपकी सरजमीन हो, तुरपाड़ी हो या काटपाड़ी हो, और ये वेलूर, ये इस वेलूर में जो खिदमतें हो रही हैं यकीनन मेरे पास लफ्ज़ नहीं उलमाए किराम को, बहरहाल दुआओं से बढ़कर कोई तोहफ़ा नहीं होता। अल्लाह पाक इन सब को खुश रखे सलामत रखे। अदब के साथ मुल्तमिस हूँ मौलाना जनाब हैदर महदी साहब क़िबला से तशरीफ़ लाएँ। अच्छा बाबा बुलंद आवाज़ में सलवात पढ़ें इस तरह। सबसे पहले मैं आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं और इस्मत कुबरा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासआदत के पुरमसरत मौके पर आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में और बिलखुसूस इमाम ज़माना हज़रत वली असअद जल्लल्लाहु तआला फ़रजहू शरीफ की बारगाह में तबरीक और तहनियत पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद का खालिक आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए। जितने भी मोमिनीन आज की महफिल में तशरीफ़ लाए हैं उन सब की हाज़री का परवरदिगार आलम अपनी बारगाह से बेहतरीन और कामिल अजर अता फरमाए। बिलखुसूस बाबू भाई के लिए दुआ गो हूँ कि खुदावंद आलम इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और सेहत व सलामती अता फरमाए, इनके बच्चों के कारोबार में खैर व बरकत अता फरमाए। नीस बरदर अज़ीज़ मोहतरम जनाब नातिक अली पुरी साहब जो आज की महफिल के संचालक हैं, और बड़ी खूबसूरती के साथ महफिल का संचालन भी कर रहे हैं, लिहाजा उनके लिए भी दुआ गो हूँ कि खुदावंद आलम उनकी तौफीक में इजाफा फरमाए और ज़ोरे बयान और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। अब अगर इजाज़त हो तो एक दो कता, हालांकि मौलाना नज़र साहब पहले ही कह चुके हैं कि बहुत कम पढ़ना, वक्त भी नहीं है, मौलाना का हुक्म भी है, इसलिए बतौर इख्तसार लेकिन आपकी भरपूर तवज्जो चाहते हुए
जज़ाक अल्लाह। सलावात पढ़ते हैं मोहम्मद वाले। समात फरमाए कि तमाम हमद है उस खाली के अज़ल के लिए, तमाम हमद है उस खाली के अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। तमाम हमद है उस खाली के अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। और देखेंगे शेर मुलाहिज़ा फरमाएं, फुराते बुग्ज़ में आखिर उबाल क्या होगा। शेर मुलाहिज़ा फरमाएंगे, फुराते बुग्ज़ में आखिर उबाल क्या होगा, खुदा ही जाने तुम्हारा ख्याल क्या होगा। फुराते बुग्ज़ में आखिर उबाल क्या होगा, खुदा ही जाने तुम्हारा ख्याल क्या होगा। अली अली की सदाओं से बौखलाए हो, अली अली की सदाओं से बौखलाए हो, नुसैरियों से मिलोगे तो हाल क्या होगा, नुसैरियों से मिलोगे तो हाल क्या होगा। और मौला अली के हवाले से आखिरी किताब फिर अपने मौजू पर, अलहम से वन नास की पहचान अली है, अलहम से वन नास की पहचान अली है। मैं क्या कहूँ रसूलों का भी ईमान अली है, अलहम से वन नास की पहचान अली है। मैं क्या कहूँ रसूलों का भी ईमान अली है, वो जिसने कहा था मुझे कुरान है काफ़ी, वो जिसने कहा था मुझे कुरान है काफ़ी, क्या उसको खबर न थी कि कुरान अली है, क्या उसको खबर न थी कि कुरान अली है। और अब बतौर ख़ास शहज़ादी कौनैन के हवाले से, चूँकि ये महफिल शहज़ादी की विलादत के मुनासबत से मुनक़द की गई है, मोहसिन अली पुरी साहब बड़े उम्दा कलाम से आप हज़रात को नवाज रहे थे, और जिस वक्त वो पढ़ रहे थे मुझे मोहसिन नकवी शहीद का एक कता याद आया, वो समात फरमा लें। तेरा सजदा वजूदे हक, तेरा सजदा तेरी जबी तो नहीं, वजूदे हक, वजूदे हक तेरा सजदा तेरी जबी तो नहीं, तेरा वजूद गुमा है यकी तो नहीं। बे मुलाहिजा फरमाए अगर शेर सुनने आए हैं, तेरा वजूद गुमा है यकी तो नहीं, क्या आपने खुदा को देखा है। वजूद हक तेरा सजदा तेरी जबी तो नहीं, तेरा वजूद गुमा है यकी तो नहीं। मैं फातिमा हूं सदाकत पे वो दलील हूं मैं, ये किसी ऐसे वैसे शायर का शेर नहीं सुना रहा हूं, शहीद मोहसिन नकवी का शेर है। वजूद हक तेरा सजदा तेरी जबी तो नहीं, तेरा वजूद गुमा है यकी तो नहीं। मैं फातिमा हूं सदाकत पे वो दलील हूं मैं, अगर मैं कह दूं खुदा है तो है नहीं तो नहीं। मैं फातिमा हूं वजूद हक तेरा सजदा तेरी जबी तो नहीं, तेरा वजूद गुमा है यकी तो नहीं। मैं फातिमा हूँ सदाकत पे वो दलील हूँ मैं, अगर मैं कह दूँ खुदा है नहीं तो नहीं। सलावात पर मोहम्मद आले मोहम्मद। और ये कता भी बतौर ख़ास
मुझे मालूम है वक्त बहुत कम है और खाना गालिबन शुरू हो चुका है, लेकिन हम उनमें से नहीं हैं, ये भी ख्याल रहे। शेर सुना दूं, जंगे उहद में देखिए बंदे वो पेट के, जंगे उहद में देखिए बंदे वो पेट के, भागे नबी को छोड़ के लुंगी समेट के। खाना जरूर शुरू हो गया है लेकिन हम उनमें से नहीं हैं, लिहाजा इत्मीनान से बैठे, इससे बड़ी खुराक कोई नहीं जो आपको मिल रही है। वो मादी गजा है, ये रूहानी गजा है जो शोरा के जरिए आप तक मुंतकिल हो रही है। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जंगे उहद में देखिए बंदे वो पेट के, भागे नबी को छोड़ के लुंगी समेट कर, समेट के और देकर अली ने नफ्स लिया मर्जी खुदा, देकर अली ने नफ्स लिया मर्जी खुदा, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे लेट के, हिजरत के शब रसूल के बिस्तर पे लेट के, हिजरत के शब रसूल के बिस्तर पे लेट के। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये कता बतौर खास मुलाजा फरमा लें, लेकिन तसव्वुर शर्त है, कमंद अपनी सितारों पे डाल सकता है। मोहसिन भाई लफ्ज मुलाहजा फरमाइएगा, कमंद अपनी सितारों पे डाल सकता है, कमंद अपनी सितारों पे डाल सकता है, निजामे अर्ज़ो समा को संभाल सकता है, निजामे अर्ज़ो समा को संभाल सकता है, दुआए फातिमा जहरा नसीब हो जिसको। नाति भाई बहुत बतौर खास, कमंद अपनी सितारों पे डाल सकता है, निजामे अर्ज़ो समा को संभाल सकता है, दुआए फातिमा जहरा नसीब हो जिसको, अजान दे के वो सूरज निकाल सकता है, अजान दे के वो सूरज, अजान दे के, अजान दे के सूरज निकाल सकता है, अजान दे के सूरज निकाल सकता है। और बतौर खास हैं अली, हैं अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, तो जो है मैंने कोई गलत बयानी तो नहीं की, मुलाहजा फरमाने आप हजरात, एक अली हमारे यहाँ नहीं 12 अली हैं ना, हैं अली और भी किरदार में हैदर के सिवा फातिमा कोई नहीं, बिनते पैगंबर के सिवा हैं अली और भी किरदार में हैदर के सिवा फातिमा कोई नहीं, बिनते पैगंबर के सिवा, तो रख दिया कातिबे तकदीर ने ये लिख के कलम, तो रख दिया कातिबे तकदीर ने ये लिख के कलम, मर्जी जहरा जरूरी है मुकद्दर के सिवा, मर्जी जहरा जरूरी है मुकद्दर के सिवा। और आखिरी किताब बतौर खास, वो सुलेमा का महल था ये जहरा का मकान है। थोड़ा सा तसव्वुर करें और मेरे साथ साथ चलें, जनाबे सुलेमान पैगंबर का महल मशहूर है, उनकी अजमत भी लोगों पर आश्कार है, लेकिन एक जो कहीं नहीं रुकता, किसी से नहीं पूछता, वो वहाँ भी बगैर इज्न के पहुँच गया था, गया था या नहीं, तो मुलाहजा फरमाइएगा, वो सुलेमा का महल था ये जहरा का मकान है, इसके अफराद मशीयत की ज़बां रखते हैं, वो सुलेमा का महल था ये जहरा का मकान है, इसके अफराद मशीयत की ज़बां रखते हैं, और घर में मासूम के दाखिल हो इजाजत के बगैर, इतनी हिम्मत मलकुल मौत कहाँ रखते हैं, इतनी हिम्मत मलकुल मौत कहाँ रखते हैं। वाखर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सलाम, जबरदस्त माशाल्लाह।
جزاک اللہ سلامت رہیں. بہت بہت شکریہ مولانا. میں اس وقت ایک اور خطیب کی خدمت میں گزارش کرنے جا رہا ہوں. آنے والا خطیب بھی یقیناً بڑا ہی مایا ناز اور آپ نے پچھلے سال بھی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے بہتر طریقے سے آپ نے سماعت فرمایا تھا, داد و تحسین سے دعاؤں سے نوازا تھا, مگر چار مصرے شاعر کے پیش کر کے سورج کی دشمنی میں جو شب زاد ہو گئے, سورج کی دشمنی میں جو شب زاد ہو گئے وہ دیکھتے ہی دیکھتے برباد ہو گئے, سورج کی دشمنی میں جو شب زاد ہو گئے وہ دیکھتے ہی دیکھتے برباد ہو گئے, وہ دیکھتے ہی دیکھتے برباد ہو گئے. یہ فائدہ زیارت عاشور کا ہوا, سب خاتلوں کے نام ہمیں یاد ہو گئے. یہ فائدہ زیارت عاشور کا ہوا, یہ فائدہ زیارت عاشور کا ہوا, سب قاتلوں کے نام ہمیں یاد ہو گئے. ان مصروں کے سائے بڑے ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں محترم مقام مولانا جناب توسی حیدر صاحب سے تشریف لائیں. ان کا استقبال نواب توسی حیدر صاحب, جی نواب حیدر توسی صاحب قبلہ. بہرحال حیدر پہلے نہ جی مولانا موصوف کا استقبال نہیں, بڑے ہی بلند آواز میں صلوات میں نے بتایا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى. سلام. تقریر رہی چاند ایک اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے. آیت کی تلاوت تبرکن کی ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ قبلہ جو ہے بڑا پریشان کریں گے پڑھتے ہوئے. اللہ نے اجر رسالت قرار دیا ہے محبت فاطمہ. کیا عظمت ہے بی بی کی, کیا منزلت ہے, کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے, کیا درجہ ہے, کیا رتبہ ہے بی بی کا, کہ اللہ نے ان کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا. اجرت اگر ادا نہ کی جائے, مسجد بنوائی آپ نے, آپ بیمار کی اجرت ادا نہ کیجئے, پتا کرے کسی سے کہ نماز جائز ہے, تو جناب سیدہ سے مودت کے بغیر پھر نماز کیسے آپ کی رہ جائے گی, روزہ کیسے قبول ہوگا, حج کیسے قبول ہوگا, اور کیا آپ نے چند ایک اشعار آپ کی پاکیزہ اور بلند سماعتوں کے حوالے کرنا ہے. بہت ہی اچھے اشعار ہمارے ناطق علی پوری صاحب آفتاب رضاوت ماشاء اللہ کر چکے ہیں, تو مختصر سے اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے. یہ صفحہ بڑا ہے, اشعار کم پیش کریں گے آپ کی خدمت میں. اسے دیکھ کر ڈرنا چاہیے گا کہ صفا بڑا ہے تو کہیں گھڑی کو دیکھیں گے پانچ بٹ یا اس سے ایک دو بٹ اوپر. شہزادی تیری مدحت کا یہ انعام بھی ہے, شہزادی تیری مدحت کا یہ انعام بھی ہے. مجھ کو بے چینی کے ماحول میں آرام بھی شہزادی تیری بدعت کا یہ انعام بھی ہے. مجھ کو بے چینی کے ماحول میں
आराम भी है, मर्तबा कम नहीं रिजवाने जिना से मेरा, मर्तबा कम नहीं रिजवाने जिना से मेरा, तेरी चौखट के फकीरों में मेरा नाम भी है, तेरी चौखट के। तेरी चौखट के फकीरों में मेरा नाम भी है, दरियाए अकीदत को उतरने नहीं देती, दरियाए अकीदत को उतरने नहीं देती, गुलजारे मवद्दत को बिखरने नहीं देती, दरियाए अकीदत को उतरने नहीं देती, गुलजारे मवद्दत को बिखरने नहीं देती, मरते हैं इसी गम में हमें मारने वाले, मरते हैं इसी गम में हमें मारने वाले, जहरा की दुआएं हमें, ये बड़ा गलत किया कि उसका बर्तन का मुंह खोल दिया, वो खुशबू आकर परेशान करेगी सबको, है गलत है। जिस दर पे बलक आते रहे बन के भिखारी, जिस दर पे बलक आते रहे बन के भिखारी, बख्शिश तुम्हें उस दर के तबस्सुक से मिलेगी, जिस दर पे बलक आते रहे बन के भिखारी, बख्शिश तुम्हें उस दर के तबस्सुक से मिलेगी, आ जाओ यह महफिल शहजादी ये जन्नत, जन्नत भी यहाँ आज तबर्रुक में मिलेगी, जन्नत भी यहाँ आज। जिस दर पे दर पे बलक आते रहे बन के भिखारी, बख्शिश तुम्हें उस दर के तबस्सुक में मिलेगी, आ जाओ ये है महफिल शहजाद ये जन्नत, जन्नत भी यहाँ आज तबर्रुक में मिलेगी। 5 मिनट होने को चले हैं, 3 या 4 मिनट के अंदर एक मुसद्दस है, कसीदा है, बहुत ही अच्छा कसीदा, जो मौसिन भाई आपने सुना था और आपने पूछा भी कहाँ से, यूट्यूब पर है या नहीं है, चाहत है, ये बड़ा अच्छा कलाम किबला, 5 मिनट के अंदर अंदर या 5 मिनट प्लस 2 मिनट ज़्यादा नहीं, हाँ भूख तो नहीं लगी ऐसे। हम लोगों का देखिए क्या है, ना तो हमारा सोने का टाइम होता, फिक्स नहीं होता हमारा सोने का टाइम, रात के 2 बजे जाए, 3 बजे जाए, सुबह के 5 बजे जाए, कोई टाइम ना हमारा खाने का टाइम है कि किस टाइम हम खाना खाएंगे। अच्छा देख ये असल तबर्रुक जो आपकी रूहों को मिल रहा है, ये रूहानी तबर्रुक है, है वो जो खाएंगे वो तो आप खाते ही रहते हैं, और कीजिएगा। अच्छा देखिए फूल पर एक बहुत ही अच्छा कसीदा है, फूल हाँ इतना उमदा कसीदा कि मैंने नहीं सुना, फूल हमारी हमारे यहाँ अगर किसी की हौसला अफजाई की जाती है तो उसे पेश करते हैं फूल, हमारी ज़िंदगी का जुज बना हुआ है, अगर आप देखें है ज़िंदगी नहीं, मरने के बाद भी कब्र पर क्या मिलेंगे, फूल। अगर आप देखें इब्तदा हुई हमारी, दुनिया में आए तो लोग नजराने लेकर आते हैं तो उसमें फूल भी पेश करेंगे, फूल। अब बालिग हो गए, शादी हुई तो सहरे में क्या है, क्या फूल। अच्छा कमरा सजाया गया तो वहाँ क्या है, वहाँ भी फूल है। जनाजे पर भी दूसरे भाइयों के यहाँ, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ, उनके यहाँ फूल होता है, हमारे यहाँ कब्र पर फूल है। किसी बुज़ुर्ग का,
किसी आलिम दीन का इस्तकबाल कर रहा है क्या पेश करेंगे? कहा फूल। नेता क्या इस्तकबाल कर रहा है क्या पेश करेंगे? कहा फूल। और करे हर जगह क्या नज़र आया? फूल ही फूल, फूल ही फूल, फूल ही फूल नज़र आया हर जगह पर। अच्छा, हमने तो हौसला अफजाई कर दी, हमने सोचा कि हमने ये जो गुलाब का फूल या ये अलग अलग किस्म के फ्लावर्स हमने पेश किए हैं, हमने एहतराम किया भी, उसकी हौसला अफजाई की है, बच्चे की हौसला अफजाई की या किसी का इस्तकबाल किया, हम तो बड़ा हम इसकी अहमियत बढ़ा रहे हैं और कीजिए कद्र कर रहे हैं इसके ज़रिए से, लेकिन इसने किस जगह पर जाकर अपने आप पर फख्र किया? नेता की जेब में आया क्या फख्र किया? दूल्हे के सहरे में आया क्या फख्र किया? कब्र पर आकर किसी आलिम के शेरवानी की जेब में आया, इसने क्या फख्र किया? इसने किस जगह आकर फख्र किया इसे समझिएगा। शायर अहले बैत कहता है, कैसे करता है चमन अश्क फिशानी सुनिए, कैसे करता है चमन अश्क फिशानी सुनिए, जिसकी रुदाद है खुद उसकी बयानी उसकी जुबानी सुनिए, एक मासूम की छोटी सी कहानी सुनिए, बेजुबा फूल की एजाज बयानी सुनिए, बेजुबा फूल की एजाज बयानी सुनिए, कैसे करता है चमन अश्क फिशानी सुनिए, जिसकी रुदाद है खुद उसकी जुबानी सुनिए, एक मासूम की छोटी सी कहानी सुनिए, बेजुबा फूल की एजाज बयानी सुनिए, दीदा और दिल में भी शब्बीर का गम ताजा है, करबला वालों का हर नक्शे कदम ताजा, करबला वालों का हर नक्शे कदम ताजा है। अब इसने बयान किया कि इसे कहां पर जाकर फख्र महसूस हुआ, कहने लगा मैं हूं वो फूल जो हर दावते मातम में रहा, मैं हूं वो फूल जो कौसर कभी जमजम में रहा, मैं हूं वो फूल जो ततहीर की शबनम में रहा, मैं हूं वो फूल जो अब्बास के परचम में, मैं हूं वो फूल जो अब्बास के परचम में रहा, मेरी हर फूल से तासीर जुदा मिलती है, मेरी खुशबू से मरीजों को शिफा, मेरी खुशबू से सब्ज पत्तों से मिली मुझको हसन की चाहत, खूने सरवर की बदौलत है ये मेरी रंगत, सुर्खिये खाके शिफा ने मुझे बख्शी मिदहत, मुझको असगर के तबस्सुम से मिली है शोहरत, मेरी तख्लीक हुई अजरे रिसालत के लिए, मैं चुना जाता हूँ इजहारे अकीदत के लिए, मैं चुना जाता हूँ इजहारे अकीदत के लिए, करबला वाले 72 पे फिदा रहता हूँ, मैं माह मुहर्रम में सदा महवे अजा रहता हूँ, मैं अजा खाने की चौखट पे सजा रहता हूँ, मैं अजा खाने की चौखट पे सजा रहता हूँ, मैं अजा खाने की चौखट के पे सजा रहता हूँ, जिक्र असगर की बदौलत में खिला रहता हूँ, एक बेशीर ने बख्शी है ये दौलत मुझको, है मुहर्रम में भी खिलने की इजाज़त मुझको, लोग ताबूत की चादर में सजाते हैं मुझे, ताजिए खानों में किस शान से लाते हैं मुझे, मैं जो गिर जाता हूँ पलकों से उठाते हैं मुझे, मैं जो गिर जाता हूँ पलकों से, क्योंकि वक्त तजावुज कर गया, जो टाइम हमने सोचा था सिर्फ एक शेर है, मैं जो गिरता हूँ तो पलकों से, था ये जमाना अगर आप देखें एक जमाना ऐसा गुजरा है परचमे मुलाबास निकला फूल डले हुए होते थे, या ताबूत जियारत निकली फूल डले हुए होते थे, अगर कोई पत्ती फूल की जमीन पर गिर गई तो एहतरामन बच्चे उस जमाने के बच्चे आज से 10-20 साल, क्योंकि जितना शऊर बढ़ा हमारी कौम में इल्मी मेयार इल्मी लेवल डाउन होता जा रहा है,
और कर रहे हैं, जितने ज़राए हैं इल्म हासिल करने के उतने ही हम लोग पीछे जाते जा रहे हैं। अच्छा, उस ज़माने में क्या था, सरकार पत्ती नहीं गिर पाती दिख पाती थी आपको ज़मीन पर, लोग फौरन उठा लिया करते थे, चूमते थे, लबों से लगाते थे, आँखों से लगाते थे, बोसा देते थे, और की जगह। लेकिन अब ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, आप खुद देख रहे हैं, लोग ताबूत की चादर में सजाते हैं मुझे, ताजिए खानों में किस शान से लाते हैं मुझे, मैं जो गिरता हूँ, मैं जो गिर जाऊँ तो पलकों से उठाते हैं मुझे, अपने बच्चों को तबर्रुक में खिलाते हैं मुझे, अपने बच्चों को तबर्रुक में खिलाते हैं मुझे, खुश नसीबी है मेरी शाह के गम तक जाना, मेरी मेराज है गाजी के आलम, मेरी मेराज है गाजी के आलम तक जाना। कहाँ आकर फख्र महसूस किया, और क्या आपने कहाँ आकर, आखिरी शेर और आपकी इबादत मुलतवी किबला के सुपुर्द करने चले हैं माइक, आखिरी शेर है, मैं हूँ सूरज का दुलारा तो हवाओं का हबीब, मैं हूँ सूरज का दुलारा तो हवाओं का हबीब, काम मेरा है निराला तो मेरी शान अजीब, आसमानों से बहुत ऊंचा है मेरा नसीब, आसमानों से भी ऊंचा है बहुत मेरा नसीब, मुझको परचम में जगह मिलती है पंजे के करीब, मैं हूँ सूरज का दुलारा तो हवाओं का हबीब, काम मेरा है निराला तो मेरी शान अजीब, आसमानों से भी ऊंचा है बहुत मेरा नसीब, मुझको परचम में जगह मिलती है पंजे के करीब, नामे अब्बास की तस्बीह में पढ़ा करता हूँ गुफ्तगु मश्के सकीना से किया करता हूँ, फकत वस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही तफसीर के साथ अशार पेश करने की सआदत हासिल फरमा रहे थे मौलाना मोहतरम जनाब नवाब तुसी हैदर साहब, आपकी खिदमत में भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए बार बार फूल की बातें वो कर रहे थे, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, देखिए खुशबू फूल से मोहब्बत करती है, फूल डालियों से मोहब्बत करते हैं, डालियाँ दरख्त से मोहब्बत करती हैं, और दरख्त जड़ से मोहब्बत करती है, और जड़ ज़मीन से मोहब्बत करती है, और ज़मीन हर उस शख्स से मोहब्बत करता है करती है जो दुनिया में इल्म के फूल खिलाते हैं। इल्म के ऐसी इल्मी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, इंशाल्लाह मैं उन्हें ज़हमत देता हूँ, मैं चार मिसरों के साथ आगा की खिदमत में गुजारिश का शरफ़ हासिल करूँगा। अगर चे देखिए मिसरे, चार मिसरे बहुत कीमती हैं, अगर है साहेब खुल्द बरी तो ले आओ, सलमान साहब सुनिए, जाकिर साहब सुनिए मिसरे, अगर है साहेब खुल्द बरी तो ले आओ, अगर है साहेब खुल्द बरी तो ले आओ, अगर है साहेब खुल्द बरी तो ले आओ, फराज अर्श है उनकी ज़मीं तो ले आओ, नबी की बेटियाँ गर चार हैं तो बिस्मिल्लाह, मुबाहला में किसा में कहीं तो ले आओ, नबी की बेटियां अगर चार हैं तो बिस्मिल्लाह, मुबाहला में किसा में कहीं तो ले आओ, बड़े अदब एहतराम के साथ मुल्तमिस हों मख्ताए महफिल हुज्जतुल इस्लाम इमाम जुम्मा मस्जिद अली इब्न अबी तालिब वेलूर अखाई जनाब नज़र हुसैन जाफरी साहब की खिदमत में तशरीफ लाएं, इनका इस्तकबाल भी एक बार से बल सलवार पढ़ कर दीजिए। सलाम अलैकुम, मैं तो साहब इन्होंने फूल फूल का इतना तस्करा किया कि उनकी खुशबू जो है मेरे जहनों को मतलब क्या करें मुअत्तर कर गई। देखिए जब तक फूल जो है बिखरे हुए हों तो उसकी कोई भी डिज़ाइन जो है बनाई जा सकती है, बिखरे हुए तो अगर एक जमा करके अगर उसका एक गुलदस्ता बना दिया जाए फिर उसमें कोई कारीगरी नहीं हो सकती।
उसी तरह नवाब तुसी साहब ने तमाम बिखरे हुए अशार को जमा करके एक गुलदस्ते की शक्ल अख्तियार दे दिया। अब उनके सामने जो है कोई भी अशार पेश नहीं किया जा सकता। नारे सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। जब जबाँ खोली है जहरा तेरी मिदहत के लिए कि जब जबाँ खोली है जहरा तेरी मिदहत के लिए यूं लगा बैठा हूँ कुरान की तिलावत के लिए कि जब जबाँ खोली है जहरा तेरी मिदहत के लिए यूं लगा बैठा हूँ कुरान की तिलावत के लिए और जिन ज़मीनों पे कदम रख दिए तूने बीबी कि जिन ज़मीनों पे कदम रख दिए तूने बीबी वो ज़मीनें भी उठा ली गई जन्नत के लिए। इस सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। चंद अशार हैं ऐसा कि रज़ाए खालिक अकबर तेरी रज़ा जहरा कि रज़ाए खालिक अकबर तेरी रज़ा जहरा ज़मीन से खुल्द में जाने का रास्ता जहरा। और शेर देखेंगे मुनाफिकों के कलेजे में आग लगती है कि मुनाफिकों के कलेजे में आग लगती है फिदक का होता है जिस वक्त तस्किरा जहरा। और फिदक के लूटने वालों को कोई बतला दे कि फिदक के लूटने वालों को कोई बतला दे जबीन खुल्द पे लिखा है फातिमा जहरा। और देखें कि गुरूर टूट गया जुल्म की हवाओं का कि गुरूर टूट गया जुल्म की हवाओं का बुझा सकीना तेरे घर का ओ दिया जहरा। और फलक पे चंद सितारे जो जगमगाते हैं देखेंगे नवाब हज़रत तुसी साहब कि फलक पे चंद सितारे जो जगमगाते हैं तुम्हारे नूर से पाते हैं वो ज़िया जहरा। और तहारतों के कबीले में शोर उठता है कि तहारतों के कबीले में शोर उठता है इलाज ज़ोफ़े पैगंबर तेरी रज़ा जहरा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। कि जहाँ में जुल्म की सूरत छुपेगी कैसे भला कि जहाँ में जुल्म की सूरत छुपेगी कैसे भला तुम्हारे खुतबे का रखा है आईना जहरा। और नमाज फज्र से पहले ही तुम्हारी चौखट पे नमाज फज्र से पहले तुम्हारी चौखट पर सलाम करते हैं सरदार अंबिया जहरा। हसन हुसैन की जन्नत नबी की लखते जिगर हसन हुसैन की जन्नत नबी की लखते जिगर अली को मिलता है तुमसे ही आसरा जहरा। और देखें कि मिटा सकी न ज़माने की गर्दिशें आबिद कि मिटा सकी न ज़माने की गर्दिशें आबिद मिसाल नादे अली है तेरी दुआ जहरा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आइए ईमान के हलके से निकल जाते हैं इस दर पे फरिश्ते भी संभल जाते हैं। शहजादी कौनाइन जो हो जाए खफा अल्लाह के तेवर भी बदल जाते हैं। बीवी पाक आप सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाएं और मैं खुसूसी तौर पर आप तमाम की तरफ से शोरा उल्मा और अपनी तरफ से बुज़ुर्ग मेरे बड़े भाई खिदमत गुजार कौम मिल्लत मोहतरम जनाब मीर मेहदी नवाज़ और बाबू भाई उनकी फजल की खिदमत में शुक्र का नजराना पेश करता हूँ। पाक परवरदिगार इनकी हाज़िरी को इनकी मेहनतों को शरफ़ कबूलियत अता फरमाए यूँ हमें ज़माना इस्लाम ज़ुहूर में ताजिल फरमाए उनके नसरीन में हम सबको शामिल फरमाए। दो भीख हमको फातिमा ज़हरा के नाम की मौलाए कायनात तुम्हारा भला करे। आइंदा साल तक के लिए जश्न मुलतवी होता है। खुदा हाफिज़। की जो मदद हमारी या साहेब जमाना की जो मदद हमारी हम आपके सवाली हम आपके सवाली या साहेब ज़माना। अव्वल भी तुम मोहम्मद आखिर भी तुम मोहम्मद
اول بھی تم محمد آخر بھی تم محمد تم سب کے سب ہو نوری تم سب کے سب ہو نوری یا صاحب زمانہ کی جو مدد ہماری یا صاحب سر نہ جھکے ہمارا در پر کسی کے مولا سر نہ جھکے ہمارا در پر کسی کے مولا ہم آپ کے بھکاری ہم آپ کے بھکاری یا صاحب زمانہ کی جو مدد ہماری یا صاحب زمانہ بیماروں کو شفا ہو رنج و الم دفا ہو بیماروں کو شفا ہو رنج و الم دفا ہو سن لو حضور عالی سن لو حضور عالی یا صاحب زمانہ کی جو مدد ہماری یا صاحب اولاد کی تمنا رکھتے ہیں جو بھی مولا اولاد کی تمنا رکھتے ہیں جو بھی مولا بھر دیجئے ان کی گودی بھر دیجئے ان کی گودی یا صاحب زمانہ کی جو مدد ہماری یا صاحب زمانہ کی جو مدد ہماری یا صاحب زمانہ سایہ ہو پنجتن کا بن بیاہ کے سروں پر سایہ ہو پنجتن کا بن بیاہ کے گھروں پر گھر گھر رچاؤ شادی ہر گھر رچاؤ شادی یا صاحب زمانہ کی جو مدد ہماری یا صاحب زمان ہے نوجوان اپنے بے روزگار جتنے بے روزگار جتنے ہے نوجوان اپنے دلوا دو سب کو روزی دلوا دو سب کو روزی یا صاحب زمانہ کی جو مدد ہماری یا صاحب زمانہ تم انما کے وارث مصداق العطا ہو تم انما کے وارث مصداق العطا ہو صاحب نہ ہووے دیری صاحب نہ ہووے دیری یا صاحب زمانہ کی جو مدد ہماری یا صاحب زمان ہے شاہ کی تمنا ظاہر ہو آپ مولا
हम सब की है तमन्ना, जाहिर हो आप मौला। सुन लो हमारी अर्जी, सुन लो हमारी अर्जी या साहिबे